चलो अपन पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन का आज लास्ट लेक्चर है, इसमें अपन ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा दिया था, ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ा दिया था, क्रेब्स साइकिल के बाद हमने ETS आज पढ़ेंगे। लिंक रिएक्शन सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है इसलिए हम उसको यहाँ पे ले नहीं रहे। तो आपको पता है कि यहाँ पे टोटल 2 ATP और यहाँ पे 34 ATP है ना। अब यहाँ पे जो जैसे मान लो कि 2 ATP या 34 ATP बने ना, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस है तो ऑक्सीजन तो यूज होगी, तो यहाँ पे जो इसने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद जैसे मैंने बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस भी एक रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल भी एक रिएक्शन है, ETS भी एक रिएक्शन है, और जहाँ भी रिएक्शंस होगा वहाँ पे रोल किसका रहता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यहाँ पे O2 मिल जाएंगे आपको, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ा होगा तो बीच बीच में कहीं पे डिहाइड्रोजिनेशन होता था। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन, हाइड्रोजन मतलब क्या, प्रोटॉन। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे जब आप ग्लूकोज को देखिए, जब आप C6H12O6 को ऑक्सीजन देते हो तो क्या रिलीज करता है, CO2 और H2O, क्लियर। अब देखो हमने ऑक्सीजन दे दिया, आप हाफ O2 दे दो, कुछ भी दे दो, वो तो बैलेंस करने का तरीका है। हम नॉर्मली क्या देते हैं उसको, ऑक्सीजन। जैसे हम उसको ऑक्सीजन देते हैं तो वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी ये कैसे रिलीज करता है, इसका क्या तरीका होता है, हम उसको समझेंगे टर्मिनल ऑक्सीडेशन। किसमें समझेंगे, टर्मिनल का मतलब क्या है, सिर्फ टर्मिनल का मतलब क्या होता है, चलना, बोलते हैं ना ट्रेन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में घूम के जाएगी, ऐसे करके बोलते हैं ना। टर्मिनल मतलब कि मूव करना, चलना, क्या मूव करेगा, क्या चलेगा, हम अभी समझेंगे यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छे समझेंगे। तो हम यहाँ पे नॉर्मली क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि जब आप किसी भी चीज़ को बर्न करोगे, जब आप किसी भी चीज़ को बर्न करोगे, वो हाइड्रोकार्बन हो, चाहे मेथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, सुक्रोज हो, ग्लूकोज हो, मोल्टोज, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन को जब आप बर्न करते हो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है कुछ क्वांटिटी, ठीक है। जैसे आप किसी भी चीज़ को बर्न करोगे ना, जब आप किसी भी चीज़ को बर्न करोगे तो क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसको बर्न करोगे तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वाटर मतलब मॉइस्चर। जैसे आप देखो लकड़ी को भी बर्न करोगे ना तो लकड़ी का जो स्मोक धुआं होता है ना उसमें भी मॉइस्चर और वाटर होता है। मतलब हमको ये समझना है कि यदि हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉर्मली अपने को पता चल गया कि यहाँ से निकलेगा, वाटर किस तरह से निकलेगा और एनर्जी जो होती है कैसे सिंथेसाइज होगी ATP में। ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्रेब्स साइकिल हुआ, तो यहाँ पे तो एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन वो रिलीज्ड एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो ATP फॉर्म में स्टोर होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। मतलब कि अब जो हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ATP नहीं बनता, ATP का बनना पहले ही हो चुका है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल मिला के। नॉर्मली ATP जो ज़्यादातर ATP है कहाँ बनेगी, क्रेब्स साइकिल में, क्योंकि क्रेब्स साइकिल हो रहा है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा बहुत ATP कहाँ बनेगी अपने ग्लाइकोलाइसिस में, मतलब 1-2 ATP ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे टर्मिनल जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है, देखिए समझिए, टर्मिनल मतलब चलना, ऑक्सीडेशन मतलब कि उसका बर्न करना, ऑक्सीडेशन मतलब बर्न करना, मतलब ऑक्सीजन आप दे रहे हो, बर्न करोगे तो पक्का, जहाँ ऑक्सीडेशन लिखा है तो यहाँ पे यदि आप कोई ऑर्गेनिक मेटल ले रहे हो तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो देखिए ना, इन दिस प्रोसेस द प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, इन दिस प्रोसेस द प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द इंड्यूसिंग एंजाइम कंबाइंड विद द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, बोलिए, वाटर, प्रोड्यूस वाटर एंड सिंथेसाइज एनर्जी, और एनर्जी को सिंथेसाइज करता है, क्लियर। आइए यहां पे द एंड ऑफ द ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग टू प्रोसेस,
जब ऑक्सीडेशन होता है तो दो प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होती है, दो प्रोसेस फॉलो करती हैं। पहला प्रोसेस होता है वाटर को बनाना और दूसरा प्रोसेस होता है एनर्जी के लिए। क्लियर? तो आइए, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये करता है हमारा रिलीज वाटर, और उसके बाद आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब समझो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यदि आप लिंक कर पा रहे होगे ना कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यदि आप कनेक्ट करो फॉस्फोराइलेशन, मतलब वही तो है ATP NADPH2। जब आपने यहां से एनर्जी लिया, आपने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज तो केमिकल है ना, उस केमिकल को एनर्जी को आपने बंडल्स के फॉर्म में जो पैक किया ना जैसे एनर्जी को, तो ये हो जाता है हमारा क्या, ATP सिंथेसिस। अब ATP सिंथेसिस मैंने लिखा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ADP AMP GTP GMP ये नहीं होगा, जितने भी एनर्जी के बंडल्स होंगे ना सारे के सारे यहां पे होंगे। हमको ऐसा लग रहा है कि इसकी डेफिनेशन तो समझ में आ गई टर्मिनल ऑक्सीडेशन की। क्या है टर्मिनल ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन? मतलब कि लास्टली प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल के लास्ट वाली प्रोसेस जहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का वाटर रिलीज और कार्बन वो एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। दो स्टेप में कंप्लीट होगी, पहला स्टेप होगा ETS, दूसरा स्टेप होगा ऑक्सीडेशन। अब इनमें क्या क्या होता है इसको हम यहां से समझेंगे। आइए देखिए, टर्मिनल ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्या प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अटैच विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अटैच होके क्या निकालते हैं वाटर, क्या निकालते हैं वाटर, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल ऑक्सीडेशन। प्रोटॉन चाहिए, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मतलब H+ है ना, और इलेक्ट्रॉन जो है तो ऑक्सीजन से अटैच होकर क्या रिलीज करते हैं वाटर। समझ गए? आइए तो इसको हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद आ जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या हो रहा था, देखिए ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में जो भी हमारे एसेसरी चीज बच रही थी वो बना रहा था क्या वाटर, क्या बच रहा था हाफ O2 और 2H+, ये मिलके बना रहे थे H2O, क्या बना रहे थे, मतलब इसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, हम देंगे, देखेंगे कहां से इलेक्ट्रॉन मिलता है। फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा था, ATP सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड कोएंजाइम, ATP सिंथेसाइज हो रहा था किसके हेल्प से, ऑक्सीजन और कोएंजाइम के हेल्प से, क्या सिंथेसिस हो रहा था ATP। मैं बोल रहा हूँ यदि आपको ऑप्शन में ATP की जगह ADP AMP कुछ भी मिलता तो आप उसको कर लोगे, है ना। तो अब हम देखेंगे क्या ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, हम उसको यहाँ पे समझेंगे बहुत अच्छे से, इसके सारे स्टेप याद रखना जैसे ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल के। क्या करिए, कहाँ से आए हो, चलिए अब अपन देख लेते हैं ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ETS समझने के लिए एक चीज फिर से देख लो, एक मिनट रिवीजन कर लो। मान लीजिए कि ये हमारा सेल है, ये कंप्लीट सेल है, सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के यहां पे देखिए अंदर वाली वॉल पे, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया के वॉल के अंदर वाली वॉल पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली वॉल पे देखिए यहां पे ये वाला है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्या है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इस वॉल को हमने ये मोटा कर दिया, ये वॉल को मैंने मोटा कर दिया, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और ये है, मतलब यहां माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला स्पेस, मैंने इसी को तोड़ के ये मोटा किया हूं, तो ये इधर साइड वाला अंदर साइड वाला जो यहां पे भरा हुआ था ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है और ये क्या है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या होगा, यहां पे जब क्रेब साइकिल हुई थी ना, तो क्रेब साइकिल के टाइम पे जब यहां क्रेब साइकिल हुई थी तो यहां पे जो प्रोटॉन रिलीज हो रहा था, क्योंकि देखो जहां डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था तो CO2 रिलीज हुआ था क्रेब साइकिल में, एक जगह डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा था तो वहां प्रोटॉन निकल रहा था। अब क्या होगा, मान लीजिए कि यहां पे प्रोटॉन रिलीज हो के बहुत सारा प्रोटॉन हो गया,
तो इसका अंदर वाला जो मीडियम है वो हो जाएगा एसिडिक, क्योंकि क्या होता है H प्लस आयन जहाँ होगा तो हो जाएगा एसिडिक, बाहर वाला हो जाएगा बेसिक, और एसिडिक मीडियम में कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। एसिडिक यदि आप कहीं ज़्यादा एसिडिक कर दोगे, क्योंकि यदि आपको अच्छी रिएक्शन का रिजल्ट चाहिए तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, मतलब मीडियम आपको न्यूट्रल रखना पड़ेगा। आप एसिडिक कर दोगे सबको ये डिस्ट्रॉय कर देगा एसिड होने के वजह से, तो ये डिस्ट्रॉय ना हो तो ये जो अपना H प्लस आयन होता है ये इसको किसी न किसी तरीके से हम बाहर भेजेंगे। मान लो कभी कभी ऐसा हुआ कि आपने जरूरत से ज्यादा बाहर भेज दिया तो अंदर H प्लस की कमी हो जाएगा बेसिक, तो उसको मेंटेन करने के लिए बाहर से अंदर भी भेजेंगे। मतलब इसके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ ऐसे पावर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे H प्लस को अंदर बाहर भी करता है, मतलब बाहर जाने देता है अंदर आने देता है, मतलब उसका मीडियम बैलेंस रखता है। समझ गए? आइए अब ये समझ में आ जाएगा पूरा। देखो अब यहाँ पे समझो, ये वाला हो गया ऊपर वाला इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अंदर वाला हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइड, याद हो गया ना? अभी डायग्राम बताया था, अंदर वाला क्या हो गया मैट्रिक्स साइड, अब बाहर वाला क्या हो गया इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पक्का याद है? अब समझ में आ गया ना जब मैंने डायग्राम बनाया था? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जैसे क्रेब्स साइकिल का लास्ट प्रोडक्ट क्या था, ऑक्सैलेट या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, क्लियर। ऑक्सैलेट के बाद जो वहां पे रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था वो इलेक्ट्रॉन एफ एम एन, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, कहां जाता है एफ एम एन फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड से ये इलेक्ट्रॉन कहां जाता है आयरन सल्फर प्रोटीन, कहां जाता है, ठीक है, आयरन सल्फर प्रोटीन से कोबाल्ट क्यू, या इसको हम यूबी भी बोलते हैं, यूबी क्यूनोन, यू क्यू बोलते हैं, यूबी क्यूनोन भी बोलेंगे, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी वन, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए थ्री। फिर से देखो एफ एम एन, एफ एम एन से कहां जाएगा आयरन सल्फर प्रोटीन सीओ, है ना, कोबाल्ट क्यू, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी वन, साइटोक्रोम ए सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए थ्री। इसको एक बार लाइन याद करो पूरा, ये याद कर लो बस स्टार्टिंग के, बाकी उधर के तो याद ही हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ एफ एम एन, है ना, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से इलेक्ट्रॉन जाता है आयरन सल्फर प्रोटीन में, आयरन सल्फर प्रोटीन से जाता है यूबी क्यूनोन से साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी वन, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए थ्री। अब यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है एफ एम एन से दो इलेक्ट्रॉन गए आयरन सल्फर प्रोटीन से, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ यूबी क्यूनोन से, दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी, यही दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी वन, दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी, दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ए, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए साइटोक्रोम ए थ्री, साइटोक्रोम ए थ्री से ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। जब साइटोक्रोम ए थ्री से ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उसी टाइम पे क्या हुआ, इस रिएक्शन के दौरान देखो इनर मेम्ब्रेन ऑफ मैट्रिक्स साइड दो एच प्लस आयन थे, इनर मेम्ब्रेन ये दो एच प्लस आयन यहाँ आ गए, ये दो प्लस आयन यहाँ आ गए, मतलब ये हमारा उसके मीडियम को बैलेंस करता है, ये हमारा जो है ना ये एक्चुअल में फेस एरिया होता है, ये हमारा फेस एरिया जो होता है उसके माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन का जो फेस एरिया होता है ये इसके प्रोटॉन्स को बैलेंस करता है। तो यहाँ से मान लो अपन ने क्या किया दो एच प्लस आयन को मैट्रिक्स साइड भेज दिया, कहाँ भेज दिया मैट्रिक्स साइड, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन भी मैट्रिक्स साइड रिलीज हो गए, और हमने ऑक्सीजन तो सांस जब लिया था तब ऑक्सीजन ले लिया था, तो ये दो इलेक्ट्रॉन सबको देख लो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हैं और साथ में दो H प्लस हैं और साथ में O2 है, बताओ क्या बना देगा, ये बैलेंस कर देगा तो H2 हो जाएगा, और ये हमारा हाफ O2 है तो एक ऑक्सीजन बचा तो टोटल क्या बना दिया H2O हो गया, वाटर मॉलिक्यूल यहां से बच गया, एटीपी का क्या होगा अभी हम देखेंगे। तो हमको देखो यहां से क्या मिल गया प्रोटॉन, क्या मिल गया प्रोटॉन, यहां से क्या मिल गया इलेक्ट्रॉन, हाफ O2 हमारे पास पहले से था तो मिलके क्या बना दिए वाटर।
ये हो जाएगा हमारा ETS कंप्लीट। एक बार फिर मैं लास्ट बार बोलता हूँ, फिर तुम लोग बोलना। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ देखो, जो फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड था वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ, आयरन सल्फर प्रोटीन में, वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया यूबीक्विनोन में, यूबीक्विनोन से कहाँ गया साइटोक्रोम बी में, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 में, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकलता है तो हमारे पास पहले से अवेलेबल होता है प्रोटॉन जो उससे जुड़ के H2 बना देता है और हमारी बॉडी में होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन होता है, इनसे आपस में जुड़ के और क्या बना देता है फाइनली वाटर, क्या बना देता है और ये वाटर रिलीज हो जाता है और तुमको पता है इसके आगे की चीजें। इसके बाद देखो इसी में जब अपन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब ब्रेक डाउन होता है तो 10 NADPH2 और 2 यदि अपन टोटल जोड़ा जाए तो 2 FADH2 तो इसका पता है ना कितना, 8 NADH2 कितना देता है 3 ATP और 2 FADH2 2 ATP। तो देखो 2 से कितने हो गए 4, 3 से कितने हो गए 30, टोटल कितने हो गए 34, 2 तो कम रहे, 2 कहाँ गए, 2 कहाँ से कितने हो गए, बाकी और जो भी 2 बचे होंगे वो यूज हो गए होंगे। यदि हम बात करें रेस्पिरेशन में कितने ATP बनते हैं तो आंसर जाता है 34 और कितने ATP रिलीज होते हैं तो आंसर जाता है 36। क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, ये वाले प्रोसेस में जहाँ पे हम बोल रहे थे ATP सिंथेसाइज हो रहा था तो यहाँ पे जितने भी हमारे ATP हैं मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में यहाँ पे जो ये FADH2 है ना, FAD से FADH2 ये जाके माइटोकॉन्ड्रिया में बंडल्स बनाते जाते हैं जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और उन वो बंडल जाके स्टोर होते जाते हैं ATP फॉर्म में, किस फॉर्म में ATP फॉर्म में। ये तो मैंने एक प्रोसेस बनाया, इस तरह की बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है ETS। आपके एग्जाम में ETS ही आएगा, वो मैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन बता दिया हूँ कि टर्मिनल ऑक्सीडेशन में 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक क्या होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो मैंने ये सिखाया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेनली 2 के लिए काम करता है, एक तो प्रोटॉन बैलेंस करता है और दूसरा वाटर बनाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या कर रहा था, ATP सिंथेसाइज कर रहा था। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट।